हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी आज की वीडियो में हम सेट फोर जो मॉक टेस्ट था उसका पार्ट टू करने वाले हैं इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर चुका है पहले ही अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लो उसके बाद ये देखने आना ताकि आप कंटिन्यूशन में चले इसमें टोटल वन फिफ्टी क्वेश्चन थे फिफ्टी मैंने करवा दिया अभी आज फिफ्टी से हम करेंगे यहाँ पर और ये साइंस के है और आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस के जो पीडीएफ होते हैं वो आपको मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा आपको और आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर पे भी फॉलो कर सकते हो और अगर आप में से किसी को मॉक टेस्ट लेना है तो आप हमारे स्टोर से भी मॉक टेस्ट ले सकते हो स्टार्ट करते हैं साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी वन से अमंग द बायोटेक कॉम्पोनेंट ऑफ द इको सिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज जो बायोटेक कॉम्पोनेंट होते हैं इको सिस्टम में से उसमें से प्रोड्यूसर सिस्टम कौन सा है इनमें से आपको बताना है सी रिवर ग्रीन प्लांट्स या एनिमल तो जो भी करेक्ट लग रहा है आपको मार्क करके रखो एंड देन आप अपना आंसर कमेंट कर देना नीचे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीन प्लांट्स ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू विच ऑफ हैस फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट द ग्रीन हाउस इफेक्ट इसमें से किस गैसेस ने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है या जिसके वजह से ग्रीन हाउस होता है बेसिकली ये बताना है ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके वजह से होता है कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई टाइगर मॉस्किटो इसमें से कौन सा डिजीज है जो ट्रांसमिट नहीं होता है मॉस्किटो से डेंगू चिकनगुनिया जापिनिज एंसीफैलाइट या येलो फीवर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जापिनिज एंसीफैलाइटस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूशन कैन एफेक्ट ब्लड सिस्टम लीडिंग टू डेथ इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो एयर पोल्यूशन में होता है और वो अगर हमारे ब्लड सिस्टम में चला गया उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है कैडियम एबेस्ट्रोसडेस्ट कार्बन मोनोआक्साइड या लेड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन मोनो ऑक्साइड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रेंट्स मेनली फ्रॉम प्लांट्स को अपने न्यूट्रेंट्स कहां से मिलते हैं एटमॉस्फेयर से क्लोरोफिल से लाइट से या सॉइल से तो प्लांट्स को जो अपने मैक्सिमम या मेनली जो न्यूट्रिशंस uh, होता है वो ज्यादातर सॉइल से मिलता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ या डी आई होप आप सब कर रहे हो प्रैक्टिस साथ में तो सबको ये बाद में अपने स्कोर्स पक्का कमेंट कर देना नीचे ठीक है नेक्स्ट है फिफ्टी सिक्स वट इज द मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड ऑसमोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन द डिजीज कर्ज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन कॉल्ड ये एक डिजीज़ है जो प्रोटीन की कमी से होती है बच्चों में इसको हम क्या बोलते हैं प्लेगेरा मरासमस बेरी बेरी या रिकेट्स तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मरासमस नेक्स्ट है बैम्बू इज क्लासीफाइड एज बैम्बू किस में आता है बुशेज में ट्री में ग्रास में या वीड्स में तो बैम्बू जो है वो ग्रास में क्लासीफाइड होता है अगला है प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स जो होते हैं प्रोटीन कहाँ से सिंथेसिस करते हैं स्टार्ट से शुगर से फैटी एसिड से या अमीनो एसिड से तो प्लांट्स भी प्रोटीन सिंथेसिस किससे करते हैं अमीनो एसिड से तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी प्लान्टज्जॉर्ब डिज़ोल्व नाइट्रेट्स फ्राम सॉइल एंड कन्वर्ट दैम इन टू तो जो प्लांट होते हैं अभी हमने पढ़ा कि वो सॉइल से ही अपना सारा फूड या जो भी चीज़ उनको ज़रूरत होती है न्यूट्रेंट्स लेते हैं तो जो डिज़ोल्व नाइट्रेट होता है सॉइल से वो लेकर किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं उसको फ्री नाइट्रोजन में यूरिया में प्रोटीन में या एमोनिया में तो वह इसको कन्वर्ट करते हैं फ्री नाइट्रोजन में नेक्स्ट है सिक्सटी वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग गैस रेडिली कम्बाइन विद हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड कौन सा इसमें से गैस है जो हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में उससे कंबाइन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू जो ह्यूमन ब्लड है वो विस्कस फ्यूड है किसके वजह से प्लेटलेट्स इन द प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड आर बी सीज एंड डब्ल्यू सीज इन द ब्लड या सोडियम इन सीरम तो ये होता है ब्लड में जो प्रोटीन होता है उसके वजह से तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका प्रोटीन इन ब्लड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री वट वुड हैपन इफ ह्यूमन ब्लड बिकम एसिडिक अगर हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी ऑप्शन टू में बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी ऑप्शन थ्री में बोला है नहीं सेम ही रहेगा और ऑप्शन फोर्थ uh, में बोला है विल बी अनप्रडिक्टेबल मतलब हम उसको प्रडिक्ट भी नहीं कर सकते कुछ ऐसा हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज़ हो जाएगी अगर ह्यूमन ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज विटामिन डी का सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है इसमें से चीज मिल्क स्पिनच या कॉड लिवर ऑयल तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिल्क नेक्स्ट है सिक्सटी फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प टू डायग्नोस्ट द कैंसर कैंसर का पता लगाने के लिए इसमें से कौन सा टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट न्यूरो टेस्ट ब्लड टेस्ट या बायोप्सी टेस्ट तो कैंसर का पता लगाने के लिए बायोप्सी की जाती है तो उसको बायोप्सी टेस्ट बोलेंगे तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है सिक्सटी सिक्स द कंपाउंड यूज इन एंटी मलेरियल ड्रग इज कौन सा कंपाउंड यूज होता है एंटी मलेरियल ड्रग में क्लोरोक्विन एस्प्रिन न्यूप्रिन या आइसोप्रीन तो ये होता है क्लोरोक्विन तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला है सिक्सटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किन डिजीज इसमें से कौन सा स्किन डिजीज है रिकट्स ऑस्ट्रियोमलेशियामिया या प्लेगेरा तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्लेगेरा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम इसमें से कौन सा एंजाइम है हमसे ये पूछा गया है स्टोमोट्रोपिन स्टोमैटोट्रोपिन सॉरी ट्राइपसिन ग्लाइकोजन या इंसुलिन तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी या सेकेंड ट्राइपसिन ये एक एंजाइम है अगला है क्वेश्चन नंबर नाइन द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेंटल कैरीज इसमें से किसकी कमी से दांतों में प्रॉब्लम होती है आयरन फ्लोरिन, कॉपर या जिंक तो ये होता है फ्लोरिन की वजह से अगला है हीलिंग ऑफ बॉन्ड इज हास्टेंड बाय विटामिन होगा। जो हमारे घाव वगैरह होते हैं वो जल्दी कैसे भरते है? कौन सी विटामिन की वजह से सी ए ई या डी तो ये होता है विटामिन सी की वजह से अगला है सेवेंटी वन कैरोटीन इन इंडियन काओ मिल्कर्स जो इंडियन काओ मिल्क में कैरोटीन होता है वो क्या कैसा होता है डीप येलो इन कलर क्रीमिश येलो इन कलर वाइट कलर या येलो कलर तो येलो कलर हो जाता है जो मिल्क होता है उसका ये इसके प्रेजेंस की वजह से होता है ठीक है अगला है सेवेंटी टू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ सेल डिवीजन सेल डिवीजन की प्रोसेस में इसमें ऐसे कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोसिस हेट्रोसिस फ्यूजन या फिजन अगर आपको फास्ट लग रहा है ज़्यादा तो आप वीडियो स्लो करके या आंसर जब दे रहे हो तो वीडियो पॉज करके करो बट प्लीज़ ट्राई करो आंसर देने का ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए माइटोसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल इज सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैमल कौन सा है इसमें से एलिफेंट वेल डॉल्फिन या कंगारू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉल्फिन डॉल्फिन जो है वो हाईली इंटेलिजेंट मामल है नेक्स्ट है सेवेंटी फोर मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ मिल्क किसका पुअर सोर्स है मतलब मिल्क में क्या नहीं पाया जाता है इसमें से ये पूछा है कैल्शियम आयरन कॉपर या सोडियम इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन कैल्शियम तो मिलता ही है ना मिल्क में आयरन नहीं मिलता अगला है टेक प्लेस फास्टर इन किस लाइट में फोटोसेंथेसिस ज़्यादा तेज होगी येलो लाइट रेड लाइट डार्कनेस या वाइट लाइट तो ये होगी व्हाइट लाइट में तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है प्लांट दैट ग्रो इन सैलाइन वाटर आर नोन एज जो नमक समुद्री पानी जो बोलते हैं जिसको उसको बोलेंगे सलाइन वाटर उसमें जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स थैलोफाइट हॉलोफाइट या मीजोफाइट्स तो इसको हम बोलेंगे हेलोफाइट्स अगला है ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बी इज एज सेरिकल्चर एपिकल्चर सिल्वीकल्चर या पाइसीकल्चर तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एपिकल्चर सेरिकल्चर बोलते हैं जो सिल्क को मैनेजमेंट किया जाता है ठीक है सीवी कल्चर और पाइसी कल्चर किस बोलते हैं या आप मुझे कमेंट करके बताओगे ओके यू हैव टू कमेंट दिस अलॉन्ग विद योर मार्क्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट पायरिया इज अ डिजीज़ ऑफ ये किस चीज़ की डिजीज़ है नोज की गम्स की हर्ट की या लंग्स की काफ़ी इजी क्वेश्चन है देखो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि वहाँ पे साइंस नहीं लिखा होता वहाँ पे आप देखना कभी वो लोग क्लियरली लिखते हैं कि जनरल साइंस आएगी तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं साइंस के तो ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साइंस में अगर आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा जीके पे फोकस करो क्योंकि वही होता है जो आपकी रैंकिंग बढ़ा सकता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गम्स ये गम्स की डिजीज है ब्लीडिंग होने लगती है बेसिकली गम्स में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ जर्म्स लेयर बाय फीटस ओनली बाय यूनियन ऑफ फीटल एंड यूरिनल टिश्यू या बाय यूट्रन ओनली कैसा फॉर्म होता है प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर ये पूछा हमसे तो बाय द यूनियन ऑफ फीटल एंड यूटराइन टिश्यू ऐसे बनता है प्लेसेंटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटी ऐसे ट्रू फॉल्स वाले आते नहीं हैं ठीक है तो इसको अवॉइड ही करना लेकिन अभी यहाँ दिया है तो हम कर लेते हैं एटी है रवेल्फिया इज द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है ऐसे आ सकता है कि बिगेस्ट फ्लार कौन सा है तो ऑप्शन दे देंगे तो आपको ये पता होना चाहिए ये वैसे ट्रू है तो ये सबसे बिग्गेस्ट होता है तो आप ऐसे देख सकते हो ठीक है लेकिन आपसे ऐसे नहीं बोलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है अगला है एटी वन द टर्म पी वी सी यूज इन प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्री में ये टर्म यूज होता है पी वी सी ये किसके लिए होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल कार्बोनेट फॉस्फरिक वैनरेट क्लोराइड या फॉस्फिवनाइल क्लोराइड तो इसका करेक्ट आंसर सबको ही पता होगा मुझे लग रहा है ऑप्शन ए है इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड ये जो लास्ट के चैप्टर है जिसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है उससे पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन उधर से मिल जाएंगे जैसे केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ बायोमोलिक्यूल्स और वो सब पॉलीमर्स वो वाले चैप्टर ठीक है अगला है क्वेश्चन नंबर एटी टू वट अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करने के लिए इसमें से क्या यूज़ किया जाता है कॉपर ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट तो इसमें यूज होता है सिल्वर आयोडाइड। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला है ऑयल ऑफ एस। ऑयल ऑफ विट्रोल क्या है नाइट्रिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फॉस्फोरिक एसिड है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड ऑयल ऑफ विट्रॉल का यूज़ क्या है ये भी बताना मुझे कमेंट करके ठीक है मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ ताकि आप लोग भी अटैम्प्ट करो बीच बीच में सिर्फ मैं से कराती रहूँगी आप सुनते रहोगे तो वैसे नहीं होगा नेक्स्ट है एटी फोर विच इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट डायनामाइट बनाने में इसमें से क्या यूज़ होता है ग्लासरॉल इथाइल अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल या ग्लाइकोल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्लैसरॉल ठीक है ये यूज होता है अगला है एटी फाइव वट इज कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट क्या है एप्सम सॉल्ट को बोलते हैं ब्लू विट्रॉल को बोलते हैं जिप्सम सॉल्ट को बोलते हैं या पोटैश एल्बम को बोलते हैं तो कैल्शियम सल्फेट इसमें से किसको बोलते हैं ये बताना आपको तो ये बोलते हैं जिप्सम सॉल्ट को तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन एज बाय किस से होता है ये डिकम्पोजिशन हाइड्रोलिसिस रिडक्शन या ऑक्सीडेशन तो ये होता है ऑक्सीडेशन से ठीक है अगला है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन विच मेटल इज़ हैवियस्ट इसमें से कौन सा मेटल हैवियस्ट है ये बताना है हमें ओसमियम मर्क्री आयरन या निकल तो इसका करेक्ट आंसर है ओस्मियम तो इसका ऑट ऐटोमिक नंबर जो होता है वो होता है सेवेंटी सिक्स और इसको ऐसे लिखते हैं ओ एस ठीक है ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता तो आपने सुना नहीं होगा अगला है एटी एट वट इज द मिक्सचर ऑफ़ पोटाशियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल एंड सल्फ़र कॉल्ड तो इसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं पोटाशियम नाइट्रेट के मिक्सचर को पाउडर चारकोल और सल्फ़र पेंट बोलते हैं एलोमिनियम बोलते हैं ब्रास बोलते हैं या गन पाउडर बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम गन पाउडर ठीक है अगला है क्वेश्चन नंबर एटी नाइन नील पॉलिश रिमूवर कंटेन नील पॉलिश रिमूवर में क्या होता है बेंजीन एसिटिक एसिड एसिटोन या पेट्रोलियम ईथर तो इसमें होता है एसीटोन अगला क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टेन और बचे हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट में एल्टीट्यूड नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें से यूज होता है ऑडियोमीटर, मीटर एम मीटर या एनिमोमीटर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एल्टी मीटर नेक्स्ट है नाइन्टी टू विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशन ओशन की डेप्थ को नापने के लिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है गिल्वानोमीटर फ्लक्स मीटर एंडोस्कोप या फेथोमीटर तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फेतोमीटर अगला है नाइन्टी थ्री बिग बैन थ्योरी एक्सप्लेन बिग बैन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स ऑरिजिन ऑफ सन लॉ ऑफ फिजिक्स या नन ऑफ दीस तो बिग बैन थ्योरी एक्सप्लेन करती है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स अगला है द एब्जॉर्बन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन जो इंक होता है एब्जॉर्ब होता है ब्लॉटिंग पेपर से तो ये क्या एक कौन सा एक्शन है ठीक है ये कौन सा फिनोमिना है कैपिलरी एक्शन फिनोमिना विस्कॉसिटी ऑफ इंक सिफॉन एक्शन या डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू ब्लॉटिंग पेपर तो ये एक तरीके से कैपिलरी एक्शन है ठीक है अगला है नाइन्टी फाइव न्यूक्लियस साइज आर एक्सप्रेसड इन यूनिट नेम यूनिट नेम में एक्सप्रेस करते हैं न्यूक्लियर साइज को फर्मी एम स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन या टेस्ला इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फर्मी। अगला है रेडियन इज यूज टू मेजर रेडियन किस चीज को नापने के लिए यूज होता है ये यूनिट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम एंगल या सॉलिड एंगल तो ये एंगल नापने के लिए यूज होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन विच आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन सन सन में जो मेन गैसेस है वो इसमें से कौन से हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम हाइड्रोजन एंड आर्गन आर्गन एंड हीलियम या हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन एंड हीलियम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया इसमें से कौन सा लॉ है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ या न्यूटन थर्ड लॉ तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है तो उसका लॉ ये स्टेट करता है दैट अ बॉडी ऑफ रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी ऑफ मोशन विल रिमेन एन मोशन अनलेस एंड अल्ट्रेल एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एट ठीक है तो मतलब क्या है कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए अगला है क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सेस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ तो ये रोटेशनल इफेक्ट है किसी चीज़ पर किसी बॉडी पे तो उसको किस टर्म से डिस्क्राइब करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या मोमेंटम ऑफ फोर्स तो उसको हम बोलेंगे मोमेंटम ऑफ फोर्स एंड द लास्ट क्वेश्चन एनर्जी प्रोजेस बाय अ बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बोथ या नन तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी सो ये था लास्ट ठीक है तो इसमें हमने टोटल फिफ्टी क्वेश्चन किए और इससे पहले इसके पार्ट वन कर चुके हैं जिसमें भी फिफ्टी किए थे तो अभी टोटल हंड्रेड कंप्लीट हो गए और फिफ्टी बचे हैं वन फिफ्टी करने के लिए तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो और इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारा मॉक टेस्ट डाला हुआ है और मिनी मॉक टेस्ट भी डाला है अगर उसमें से आपने कुछ भी नहीं देखा तो आप देख के अटैम्प्ट कर सकते हो उससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसे मॉक टेस्ट और वीडियोज़ के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो